Today we completed with the discussion of this microbes in human welfare, and for today's test might be you people have learnt this chapter, so let me continue the questions for this chapter. ठीक है, okay, one second. हाँ जी, okay, tell me what is the significance of the biofertilizers? What is the significance of biofertilizers? Online children, you can unmute and tell me. बायो फर्टिलाइजर, बायो मीन्स थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर क्या करते हैं वैसे बताओ, फर्टिलाइजर का रोल क्या होता है, सॉइल में डालते हैं हम, फर्टिलाइजर का रोल क्या होता है, फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट की ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ाते हैं, तभी तो उनको फर्टिलाइजर बोला है, फर्टिलाइजर का मतलब ही है फर्टिलिटी इंक्रीज करना सॉइल का. दूसरा, दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ, क्योंकि ये हम बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, पहला तो यही है कि हमारे पास बायो फर्टिलाइजर मीन्स दे विच आर हेल्पिंग इन द फर्टिलिटी टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, ग्रोथ विल बी मोर, यील्ड विल बी मोर, ये सारे फैक्टर्स आ गए. प्लस साथ के साथ हम लोग जो हमारे नुकसान केमिकल फर्टिलाइजर से हो रहे थे उनको कंपनसेट किया जा रहा है, दैट इज विद द बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स क्रिएटेड बाय द केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे आर बाय हेल्पिंग इन ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स थ्रू बायोलॉजिकल मीन्स. ठीक है, सो दैट आर द बायो फर्टिलाइजर्स. वॉट आर न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस बींग यूज फॉर नाउ डेज, मीन्स वट इज द यूज ऑफ दिस? Yes, nucleopolyhydroviruses, they are basically to kill the insects or the arthropoda members. Very nice. Biological control hai ye, aaj ke din mein hum isse likh sakte hain, nucleopolyhydroviruses, they are used as a biocontrol agents against the insecta members. Theek hai? Name the pest that ladybird, beetle and dragonflies help to get rid of. Name the pest that ladybird, beetle and dragonflies help to get rid of. Ladybird, dragonfly से किस किस चीज की किस किस चीज से छुटकारा मिल सकता है as biocontrol agent? मतलब ये तीनों चीजें जो बोली हैं, ladybird, beetle या dragonfly, ये किस चीज से get rid of लेने में, मतलब rid लेने में हमें help करती है? Insects कौन से specific names दिए हैं साथ में? Aphids and mosquitoes. ठीक है, if it is written in your NCERT, then you have to go through those particular lines. अगर NCERT में as such mentioned है, आप पढ़ोगे ना NCERT, तो वहां पे first lines में ही ऑफ द पैराग्राफ ये नाम लिखे हुए हैं. Ladybird, dragonfly का question तो बहुत बार ही आया, हर साल आया. ठीक है, मैंने कल भी आपको यही चीज समझाई थी बेटा, आपने जितना कंटेंट पढ़ लिया ना, आपका पैराग्राफ जो भी मर्जी समझा रहा है, बेस्ट वे क्या है हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने का, दैट इज आपका क्वेश्चन जिस भी तरफ जा रहा है, जो भी डायरेक्शन में जा रहा है, आपका ध्यान सिर्फ आपकी एनसीईआरटी के कंटेंट पे रहना चाहिए. ठीक है, आपने कहाँ से याद किया है, कितना याद किया है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर एनसीईआरटी तुम्हारे माइंड में है ना, मतलब तुमने हेडिंग पढ़ा बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, नीचे तुमने पैराग्राफ पढ़ा, तुम्हें वो पैराग्राफ से ही पता चल जाएगा कि तुमने इस पैराग्राफ में यहाँ यहाँ पे यही एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, अब उसी में से कहीं से आंसर. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन आउटसाइड फ्रॉम योर एनसीईआरटी, द क्वेश्चन एंड द आंसर लाइज विद इन योर एनसीईआरटी ओनली, दैट इज 100% श्योर. ठीक है, आपका प्लस टू का एग्जाम 200% ग्रेंटेड बायो का फ्रॉम एनसीईआरटी बनता है हमेशा. ठीक है, हमेशा हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप लोगों को आंसर फ्रेम करना भी आसान होता है, हमने सिर्फ वहीं पे स्टक रहना है. और मैंने कल भी बोला था, जितनी चीजें आपकी एनसीईआरटी में एज सच लिखी हैं, नाम लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखी हैं, उनको सीधे के सीधे याद कर लो, क्रैम इट, लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को, वो सारी चीजें रट्टा मार लो चंगी तरह. ठीक है, एनसीईआरटी नहीं आती तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, फिर तो तुम भूल जाओ तुम्हारे मार्क्स पूरे आएंगे कि नहीं. ठीक है, दैट कॉन्फिडेंस विल ओनली बी अचीव्ड इफ यू हैव रेड योर एनसीईआरटी एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. ठीक है, दो बार तीन बार पढ़ी है ना पूरी वर्ड टू वर्ड, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ आई एम 100% डन विद माय बायो पेपर, अब ले लो पेपर मेरा, है ना. तो ये कॉन्फिडेंस तब आना है जब कम से कम दो बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी. पहली बार तो तुम पढ़ोगे ना, तुमने आधी चीजें समझ आनी, आधी समझ ही नहीं आनी, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ अ बुक है कि जिसमें लिंक्स थोड़े कम ही बने हुए हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल्स नहीं है,
तो आप लोग को ज्यादा मजा नहीं आता शायद, इसलिए आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा में करने हैं सिर्फ सैंपल पेपर क्वेश्चन। जैसे मैं ये पूछ रही हूँ कुछ क्वेश्चंस की, मैं आपको फोटोज भेज रही हूँ, कुछ एक टेस्ट में डाले जा रहे हैं, कुछ आपके पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट टू मेक यू पीपल मोर अवेयर अबाउट कि इस तरह से एक कंटेंट आ सकता है, कोई भी टॉपिक है वो इस तरह से। टेस्ट के बाद कि असाइनमेंट के बाद? असाइनमेंट के बाद में भेजूंगी, टेस्ट के बाद तो तुम लोग टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या किया, सही किया कि गलत किया। टेस्ट करते नहीं हूँ, नहीं, आई विल सेंड द आंसर की, आई सेंड इट लाइक 1-2 डेज आफ्टर मैं भेज दूंगी, पर आप लोग भी तो कोई एफर्ट करो ना, आप मेरे को आंसर्स लिख के तो दो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि वेयर डू यू स्टैंड। टेस्ट का तो मतलब ये है ना, आई नीड टू टेस्ट यू पीपल है ना, यू आर गोइंग टू सिट इन योर बोर्ड्स बेटा, एंड द बोर्ड्स आर वेरी सून, दे आर अराइविंग ऑल्सो, इट्स फेब एंड आ गया, फेब मिड आ गया ऑलमोस्ट, ये तुम्हारा मार्च का मिड तुम्हारा ऑलमोस्ट पेपर्स में निकल जाना, मार्च एंड ही निकल जाना है ना पेपर्स में विद द रिजल्ट एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, वो तुम्हारा मार्च गया और क्या बचना है ले दे के हमारे पास, सिर्फ 20-22 दिन 25 दिन है ना, दैट इज फॉर योर बोर्ड्स, सो दे आर नॉट वेरी फार अवे, दे आर जस्ट नियर बाय, सो यू हैव टू टेक दिस टेंशन टू रीड योर एनसीआर। एंड अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम योर 11th फर्स्ट डे आई यूज टू से स्टडी योर एनसीआरटी, रीड योर एनसीआरटी, मैं पहले दिन से बोलती हूँ, आप लोग को भी बोला होगा, मैं हमेशा से प्लस वन के पहले दिन से ये बोलना शुरू कर देती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल है ना, बट इफ यू आर नॉट रीडिंग इट देन इट इज लाइक आप भी खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होगे, मतलब मैं आपको तो क्या कॉन्फिडेंस, आपको मैं क्या बिल्ड कर सकती हूँ आपके अंदर, ठीक है आई विल मोटिवेट यू, आई विल लाइक गाइड यू, बट बेसिकली व्हाट इज देयर इज यू इंटरनली विल नॉट बी लाइक प्रॉपरली मोटिवेटेड है ना, आपको अंदर से कहीं ना कहीं से कुछ लैगिंग लगता रहता है एंड तक, इवन जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो तुम कहोगे ओहो मैं पढ़ ही लेता तो अच्छा नहीं था, एनसीईआरटी करके आ जाता तो वहां से मिल रहा है आंसर है ना, सो दीज आर द थिंग्स, बाद में पछताने से क्या होता है, पहले ही सीख लो, टाइम जरूर लगेगा बट येस यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, देन वट इज द प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। ओके, देर आर केस बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद योर केस स्टडीज, राइट, I'll click the photos of the paragraphs only and then I will share it and I'll ask you the questions based upon it. क्योंकि इसमें से कुछ एक questions जो हैं वो आपके theory based हैं, लेकिन कुछ एक questions हैं जो आपको paragraph से भी निकालने हैं, ठीक है। So case based questions को छोड़ देते हैं अभी थोड़ी फिलहाल and coming to the next question, right? Name the microbe that help in the production of the following products commercially. What you are to name here is microbe, okay? For the following production. Of the products, that is first is statin. Yes, Monascus purpureus. Online children, you also be active. Citric acid. Anji, citric acid is isolated from. अभी दो दिन पहले हमने ये किया topic device. Anyone online? Citric acid is isolated. Mucor. Mucor? No. तीन से नहीं होता एक कैंडिडा एस्परजिलस नाइगर फंगल मेंबर ही है बट इट इज एस्परजिलस नाइगर ठीक है नेक्स्ट इज पेनिसिलिन ये तो पता होगा सबको पेनिसिलियम नोटेटम एंड लास्ट इज ब्यूटायरिक एसिड हाँ स्पीशीज उसकी ब्यूटाइलिक कुछ है बोलो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम यस क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम वेरी नाइस इट्स अ बैक्टीरियल मेंबर ओके आपको इनकी कैटेगरी भी पता होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगल मेंबर दिस क्लॉस्ट्रिडियम इज अ बैक्टीरिया ठीक है तो आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल देंगे नेम अ बैक्टीरिया फ्रॉम विच द केमिकल्स आर बीन आइसोलेटेड तो तुम बैक्टीरिया पहले मतलब सारे फिल्टर करोगे कौन कौन से केमिकल्स पड़े थे इतने सारे एसिड पड़ा था इथेनॉल पड़ा था ये वो सब कुछ पड़ा था उनके कौन कौन से मेंबर थे अब कौन कौन क्या क्या था इतना सोचने का टाइम नहीं होता पेपर में ठीक है इवन योर दीज पेपर्स टर्म टू पेपर्स दे विल बी ऑफ 2 आवर्स ठीक है ये 2 घंटे के पेपर है ठीक है नॉट ऑफ 3 आवर्स डोंट सेट इन दिस कंफ्यूजन कि आपका 3 घंटे का पेपर है आराम आराम से करते रहेंगे बहुत समय पड़ा एंड द क्वेश्चंस आर ओनली फॉर बायो द क्वेश्चंस आर ओनली 13 questions हैं ठीक है 2 marks के 6, 2 marks के sorry 3 marks के 6, 2 marks के 6 and 5 marks का 1 that is your case study ठीक है 6+6=12 and 1=13 13 questions are there only paper will be very small but
the timings, they will be just running because you have to frame the answers on there, right? क्योंकि आपको वो question पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद करना है. Okay, next question is, how does addition of a small amount of curd to fresh milk help in the formation of curd? अब देखो एमी फालतू में इतनी लाइन बढ़ा दी है. सिंपल यहाँ पे पूछते हैं, how does the curdling process takes place? है ना, तो क्वेश्चन आपको घुमा के डालेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने में टाइम लगेंगे. मेंशन अ न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट्स एडेड टू द कर्ड. बताइए हाउ इट इज कर्डलिंग इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी व्हिच इज एडेड टू द कर्ड. लैब एज द इनोकुलम दैट इज एडेड टू द वार्म मिल्क देन गेटिंग द सूटेबल टेम्परेचर. हाँ जी शिवम बोलो. कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन है. हाँ जी, उसके बाद क्या है, वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, क्वागुलेशन होता है जिससे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कर्ड. है ना, व्हाट इज अ मिल्क प्रोटीन? मैम सीजन को पहला सीजन में कन्वर्ट कर. सीजन, हाँ केजन भी बोलते हैं इसको, सीजन भी बोलते हैं, केजन भी बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज द मिल्क प्रोटीन. ओके, सो दैट इज कन्वर्टेड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट्स एडेड टू द कर्ड. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था हमने. Which vitamin content is increased in the curd? B12. Very nice. Yes. B12 भी है, ठीक है. Which nutritional quality that gets added to the curd? Nutritional quality curd में ज्यादा क्या होती है, मतलब milk से ज्यादा comparatively curd के अंदर vitamin B12 होता है. ठीक है, हाँ B12 आपकी book में भी शायद लिखा हुआ है B12 का नाम. ठीक है, okay, next is name the source of statin. हो चुका है. Which microbe is used in manufacturing Swiss cheese? मैम प्रोपियोनी शर्मानी. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. प्रोपियोनी बैक्टीरियम, हाँ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. ओके, नेक्स्ट इज नेम अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इट्स अ सोर्स ऑर्गेनिज्म एंड द पर्पस फॉर व्हिच इट इज गिवन टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. साइक्लोस्पोरिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया, साइक्लोस्पोरिन ए. सोर्स एनिमल क्या, सॉरी सोर्स एजेंट क्या है? ट्राइकोडर्मा पैलिडियम पॉलीस्पोरम. हाँ, देन पर्पस क्या है? एजेंट, वेरी राइट. ये टेबल फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं, जो भी ये क्वेश्चन फॉर्म में आया है. ठीक है, व्हाई आर सम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स. व्हाई आर सम some molecules called bioactive molecules? Bio means living, active means in the active state, they are working, they are functionable. ठीक है, so that is the some molecules are called the bioactive molecules क्योंकि they have been isolated from the microbes. अभी पढ़ा ना आपने meniscus for 2 years, that is the source, or the trichoderma is the source, है ना. so these are the active molecules that which when you can say injected into the body, they provide an active function, okay, immediate function to the body, to the patients, and hence also they are isolated from the living organism, so they are called as a bioactive molecules. Okay, so these are the chemicals that have been isolated from the living organism and injected into the living organisms. Okay, so that is, they are playing the role of being a bioactive. Aur naam kya hai aise bioactive molecules, do padhe hain aapne, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन. वेरी राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया, हाउ वाज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड? एक्सीडेंटली. ओके, यस, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट वाज Staphylococcus bacterial cultures. He was working on the experiments he was doing, and to his surprise, he got to notice that the bacteria were not growing in the petri plates. When found, it was a mold which was growing alongside with the bacteria on the same petri plates, and it was thought that there is certain chemical produced by the these molds which is killing the bacterial organism, and hence that led to the this discovery of the एंटीबायोटिक. ठीक है जी मैम, हमने फिर इसमें वो चेन और फ्लोरी का नाम बताना है. हाँ, वो भी, वो अगर पूछेंगे नोबेल प्राइज विनर्स अगर पूछेंगे तो. ठीक है, ये तो सिर्फ डिस्कवरी है, चेन और फ्लोरे जो है उनका आगे नोबेल प्राइज विनर्स आगे ना, वो तो बात की आगे की स्टोरी है, लेकिन ये डिस्कवरी कैसे हुई?
डिस्कवरी स्टार्ट कैसे हुई, जैसे आपने पहले ही एक वर्ड बोला एक्सीडेंटल, तो वो एक्सीडेंटल आपने सिर्फ सीन समझाना है, ठीक है। अच्छा, मैंने तभी इसको कंक्लूड किया बाय सेइंग दैट इट वाज थॉट, ठीक है, इट वाज नॉट आइसोलेटेड एंड हेंस इट वाज नॉट टेकन ओवर एज एन एंटीबायोटिक, बट इट वाज थॉट दैट देयर आर सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय दिस इन दिस, ठीक है। तो वो कंक्लूजन है आपका, तो दिस वाज एक्सीडेंटली गॉट बाय दिस, ठीक है। इन्होंने भी देखो यहाँ पे खत्म किया है, लेटर द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस फंगस, ठीक है, लेटर इट वॉज आइसोलेटेड, बट उसमें मेंबर्स जो जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब नहीं मेंशन किया, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवरी में नहीं आ रहा। फर्स्ट डिस्कवरी का तो जो क्रेडिट है वो फ्लेमिंग इनको, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही दिया जाता है, लेकिन बाकी जो है वो बाद में आगे आएंगे, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर्स फॉर दिस एंड वॉर के इंजरीज को ट्रीट करने के लिए फिर उनको मिला था ये नोबेल प्राइज। ओके, देन इज नेम द टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द माइक्रोब्स नेचुरली अकरिंग इन सीवेज वाटर, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली अकरिंग इन द सीवेज वाटर, फंजाई और बैक्टीरिया, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज आर आल्सो ग्रोइंग इन इट, ठीक है, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं इन द पोल्यूटेड वाटर। एक्सप्लेन देयर रोल इन क्लीनिंग सीवेज वाटर इनटू यूजेबल वाटर, वही है फ्लॉक्स रिड्यूसिंग द बीओडी डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ हेंस इट हैज बीन नोन टू बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशंस, ठीक है। देन पास्ड ऑन फर्दर टू द एरेशन टैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये सारा स्टेप समझाना है आपने, ठीक है, फ्लॉक्स दैट आर द मासेस ऑफ द बैक्टीरिया एंड द फंजाई, एंड जी मार्क्स नहीं है ये, ऐसे ही है, ये कलेक्टिव क्वेश्चंस है। आंसर इसमें हमने बोर्ड वाला भी बताना है, क्या बताना है बताएंगे में, नहीं एरेशन टैंक तक बताओगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने माइक्रोब्स की बात करी है, रोल इन क्लीनिंग सीवेज, ठीक है, सिर्फ अपने एरेशन टैंक एंड देन पास्ड फर्दर ऑन, मतलब कंक्लूजन लाइन में ना आगे कंटिन्यू कर दिया करो अगर प्रोसीजर कंटिन्यू है तो, ठीक है, कंक्लूडिंग लाइन लास्ट लाइन। हाँ जी, और क्वेश्चंस के मार्क्स के हिसाब से आंसर कंटेंट देना, लेकिन आपको वन मार्क में देखो कोई भी नहीं है, मीन्स सिंगल वर्ड आंसर तो तुमने कोई भी नहीं देना, ठीक है, मिनिमम टू मार्क्स मैक्सिमम थ्री मार्क्स क्वेश्चन, बाकी जो आपके वो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है वन ही है, दैट इज ऑफ द केस स्टडी, और केस स्टडी जो है आपकी वो पहले ही पांच पार्ट्स के साथ है, ठीक है, यू विल बी गेटिंग फाइव ऑफ द पार्ट्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब पांच पार्ट्स में सारे एक एक सिंगल सिंगल नंबर के, पर वहां पे भी आपने वन वर्ड आंसर नहीं देना, ठीक है, ये अपने माइंड में लिख लो, फॉर बायो नो सिंगल वर्ड आंसर शुड बी देयर, इवन इफ दे आर आस्किंग यू ना नेम द माइक्रोब, अगर ये भी कह दिया तो उसमें भी फॉर व्हाट जो बोला उसने, जैसे फॉर विच एक्ट्स एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट विच इज सेक्रेटिंग केमिकल्स एक्टिंग एज इम्यूनो सप्रेसिव, तुमने वहां पे भी कल्ले एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिखना, पूरा लाइन में उसको आंसर को लिख के आना, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को क्या कहते हैं स्पीड थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी आपकी हैंड राइटिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए, प्लस आपके सैम्पल पेपर्स में और ये जो आपकी जो बुक्स हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल, उनमें अगर आप देखोगे तो आपके पास कोई भी डायग्राम क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, मींस जो डायग्राम बनाने को क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे आएंगे, लेकिन डायग्राम बनाने में क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट वी विल बी गिविंग यू द सर्टन क्वेश्चंस फॉर मेकिंग द डायग्राम आल्सो, ठीक है, क्योंकि आप लोग के डायग्राम प्रैक्टिसेस जो है वो खत्म हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये सब्जेक्टिव पेपर है। हाँ, जैसे अब सपोजिंग मैंने अगर आपको क्वेश्चन दे दिया पीसीआर का, ठीक है, सपोजिंग मैंने आपको सिंपल में क्वेश्चन दे दिया एक्सप्लेन द पीसीआर एक्सपेंडेड एंड एक्सप्लेन, ठीक है, अब पीसीआर में डायग्राम भी है हमारे पास डीनेचुरेशन एनीलिंग और एक्सटेंशन का, अब तुमने क्या किया, तुमने आंसर समझा दिया, तीन तुमने स्टेटमेंट देके वो कर दिया, इफ इट इज ऑल्सो रिटन इन द इंस्ट्रक्शंस इफ इट कैन बी कंपेंड विद अ डायग्राम देन यू नीड टू ड्रॉ, ठीक है, देन यू ड्रॉ दैट डायग्राम फटाफट से, उसमें आप लोगों ने पोलैरिटी वगैरह लिखी और फटाफट से डिपिक्ट कर दिया कि दिस इज द राइट। अगर तो क्वेश्चन में पूछा है तो इट कैरीज मार्क्स, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जैसे मैंने अभी बोला एक्सप्लेन एंड एक्सपैंड पीसीआर, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने डायग्राम नहीं पूछा, मैंने सिर्फ एक्सपैंड और एक्सप्लेन पूछा, तो यहाँ डायग्राम नहीं है तो उसके मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। बोर्ड्स में मार्क्स फेच करने के लिए तुम्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, सो यू टेक इट लाइक कि आप लोगों को ये प्री बोर्ड्स में से ही आदत डालनी है, ये जो अब एग्जाम हो रहे हैं ना आप लोग के आंसर्स प्रेजेंटेबल होने चाहिए, पता चलना चाहिए दैट यू पीपल आर डूइंग द गुड वर्क, यू आर वेरी हैविंग द गुड होल्ड ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट्स, ठीक है, तो ये आपके आंसर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इवन इन द इंस्ट्रक्शंस इट इज रिटन ड्रॉ द डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी, लाइक इफ यू वांट टू सपोर्ट योर आंसर विद अ डायग्राम इट इज ऑलवेज वेलकम प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ गुड स्पीड,
ठीक है, अगर स्पीड अच्छा नहीं है फिर अपने आंसर्स पूरे कर लो, वही बहुत है, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन इंप्रेशन क्या बनाना हमने, फिर सिंपल अपने आंसर्स ही पूरे कर लो, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम पूछा है, जैसे अब आपके चैप्टर्स ज्यादातर चैप्टर्स में तो डायग्राम है ही नहीं, सिर्फ बायोटेक में ही है, है ना, प्लाज्मिड का डायग्राम है, सपोज आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द पीबीआर 322, ठीक है, तो आपको वो सारा बनाना है विद द ओवरऑल साइट टेटर एम्पायर, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बनानी है, राइट, ऑल द साइट्स ऑफ देयर एक्शन, इको आर1 साल1 ये सारे जो जो दिए हैं, ठीक है जी, तो वो बनाने भी पड़ेंगे। तो मतलब जितने डायग्राम्स हैं ना आपकी बुक में वो बनाने को भी आ सकते हैं, बने पड़े भी आ सकते हैं, ओके। और डायग्राम्स भी आपके यूजली एनसीईआरटी से ही उठाएंगे, सैंपल पेपर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन वो उन्होंने एग्जैक्ट वाला फोटो खींचा है, मतलब एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का फोटो है वो जो स्कैन करके डाला है, पर आपकी बुक में जैसा है मेरे हिसाब से वैसा ही आना चाहिए, वही आएगा, सैंपल पेपर में तो अलग डाला है, सैंपल पेपर में अलग डाला है, कंसेप्ट समझ के डालना, मतलब सब उसका ना आपको कंटेंट समझ के डालना पड़ेगा, हाँ डायग्राम नहीं, इनमें जब ही आएगा ना, अगर इसका चैप्टर माइक्रोब्स का, हाँ वही मैं कह रही हूँ, मतलब ये चीजें हैं कि आपकी एनसीईआरटी में जो फोटो में भी बनी है ना वो भी ध्यान से देखनी है तुम्हें, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो देखनी देखनी है, अब उसके साथ कोरिलेटेड भी देखना पड़ेगा तुम्हें, है ना, कोरिलेशन भी तो देखना है तुम्हें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओके, नाउ द टाइम इज ऑल्सो ओवर, एनीथिंग बेटा यू वॉन्ट टू आस्क, एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क,